हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यम वर्मन आर्ट्स में। तो आज हम बनाने वाले हैं कैमल वाटर कलर से यहाँ पर सुभाष चंद्र जी का ये वाला पोर्ट्रेट। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हमें जो है पेंट करना है। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से हमें वाटर कलर को यूज़ करना है पेंट के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वाटर का अप्लाई कर रहा हूँ पूरे पेपर में, और जो पेपर में यूज़ कर रहा हूँ वो है आइवरी पेपर। तो यहाँ पर जो है मैं वाटर का अच्छे से अप्लाई कर लेता हूँ जिससे कि जो कलर है हमारा अच्छे से फैलेगा। तो अभी सबसे पहले जो है मैं क्रीम कलर ले रहा हूँ यहाँ पर, स्किन कलर, और उससे जो है फर्स्ट लेयर में यहाँ पर पेंट कर दूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने वाटर अप्लाई किया था तो उससे जो है आपको सूखने भी देना है कुछ देर के लिए, तो आप उसे छोड़ देना। और उसके बाद जो है आप जो है इस कलर का, जो अभी मैं क्रीम कलर यूज़ कर रहा हूँ उस कलर का यूज़ करना, और कोई भी कलर का आप यूज़ करना, नहीं तो एकदम से जो है पेपर फट सकता है या डैमेज हो सकता है। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने जो स्किन कलर है उसमें जो है ब्राउन कलर मिक्स कर लिया है, और जो है इससे मैं जो है शेडिंग करूँगा, और ये होने वाली हमारी सेकेंड लेयर। तो इससे जो है जहाँ जहाँ डार्क पोर्शन है तो उसके लिए मैं इस कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और इसे मैं आइज़ के नीचे देख सकते हैं आप कि इसे मैंने आइज़ के नीचे भी जो है पेंट कर दिया है, और नोज़ में भी जो है मैंने इससे शेडिंग दे दी है। तो अब फ्रेंड्स, जो गॉगल के फ्रेम है तो गॉगल के फ्रेम पहले मैं जो है ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और फिर इसे डार्क करने के लिए मैं इसके बाद ब्लैक कलर का यूज़ करूँगा। तो पहले मैं इसे ब्राउन कलर से पेंट कर लेता हूँ अच्छे से। आइज़ में भी मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और आईब्रो में भी इसी का यूज़ करूँगा, और फिर इसे मैं डार्क करूँगा ब्लैक कलर से। तो पहले मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर यूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब जो थर्ड लेयर है तो थर्ड लेयर के लिए यहाँ पर जो मैंने कलर पहले मिक्स किया था, क्रीम कलर, स्किन कलर प्लस ब्राउन कलर, तो उसी को मैं और एक बार और एक लेयर यहाँ पर चढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और अब जो है मैं गॉगल्स के फ्रेम को भी ब्लैक कलर से डार्क कर दूंगा। और अब आइज़ में भी मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और आइज़ को भी देख सकते हैं आप कि मैंने बीच में एक आई बॉल में जो प्यूपल है उसमें ब्लैक कलर कर दिया है, और बाकी का जो एरिया है वो ब्राउन छोड़ दिया है, और इससे काफ़ी अच्छी दिख रही है अभी आइज़। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो पेंटिंग के लिए मैं ब्रशेस यूज़ कर रहा हूं वो है 0 पॉइंट के और 2 पॉइंट के, और एक जो बड़ा ब्रश है वो है 8 पॉइंट का। और अब लिप में जो है मैं हल्का पिंक कलर का यूज़ कर रहा हूं, और अब उसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर लिया है जिससे कि मैं इसकी आउटलाइन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो ब्रश है वो 2 पॉइंट का ब्रश है, तो इससे जो है मैं लिप यहाँ पर पेंट कर लेता हूँ। और अभी मैं इसे और डार्क करूँगा जो यहाँ पर लिप्स की बीच की लाइन है, तो इसे जो देख सकते हैं आप कि मैं इसे हल्का जो है और डार्क कर रहा हूँ, और जो लिप्स हैं उसकी आउटलाइन भी इसी से दे रहा हूँ।
और यहाँ पर जो टोपी का कलर है वो है ग्रीन, तो ग्रीन कलर का यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, हल्का ग्रीन कलर का। और जो है इससे पहले मैं पूरा ग्रीन कलर का जो टोपी है उसमें और जो जैकेट है उसमें मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा, और फिर बाद में इसमें भी मैं जो है सेकेंड लेयर की शेडिंग करूँगा। तो अभी जो है मैंने ग्रीन कलर पे हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स कर लिया है, और अब इससे जो है मैं इसकी जो टोपी की शेडिंग है वो हल्की हल्की यहाँ पर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हेयर में मैंने पहले ब्राउन कलर का यूज़ किया है और उसके बाद जो है मैं ब्लैक कलर का यूज़ करूँगा। तो अभी जो है टोपी यहाँ पर सूख गई है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से जो है जो आउटलाइन है वो दे रहा हूँ। यहाँ पर ग्रीन प्लस ब्लैक कलर दोनों मिक्स कर लिया है मैंने, और उससे जो है कैप में जो है मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटलाइन दी है और जो हल्की हल्की शेडिंग भी कर दी है, तो काफ़ी अच्छी दिख रही है उससे कैप। और इसी कलर से जो है मैं जैकेट में भी आउटलाइन दे दे रहा हूँ। और अब यहाँ पर ब्राउन कलर सूख गया है, तो यहाँ पर जो है मैं हेयर में ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और ब्लैक कलर से जो है मैं हेयर यहाँ पर कलर कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आईब्रो में कलर कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ इसे ब्लैक कलर से, और गॉगल में भी यही कलर का यूज़ करके मैं जो गॉगल के फ्रेम है उसे भी डार्क कर दूँगा। और अब येलो कलर से मैं जो कैप में बटन लगे हुए हैं तो उसका जो है मैं यहाँ पर कलर करके यहाँ पर बटन बना देता हूँ। और जो सुभाष चंद्र जी का लॉकेट है तो उसमें भी येलो कलर का यूज़ किया हुआ है, तो मैं येलो कलर का यूज़ करते हुए बैचेस और जो लॉकेट है उसमें येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और अभी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है हल्का ग्रीन और ब्लैक कलर मिक्स किया है, और जिससे कि मैंने जो जैकेट है उसमें एकदम देख सकते हैं आपकी सेकंड लेयर सी कर दी है। और जो शोल्डर में आपने पट्टी देखी तो वहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है, और जो बैचेस में भी मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है, और अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप कि मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि हमारा तिरंगा जो है उसका कलर है, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का यूज़ कर लिया है। और अब यहाँ पर जो बेल्ट है उसके लिए मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, डार्क ब्राउन कलर का यूज़, और जो है बेल्ट इससे मैं कलर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी डिटेलिंग थी तो उससे मैंने ब्लैक कलर से जो है आउटलाइन देते हुए डिटेल कर दिया है। और अब जो है वो है बैकग्राउंड की बारी, तो बैकग्राउंड में जो है यहाँ पर ब्लू कलर है, तो इसका मैं ब्लू कलर का यूज़ करते हुए, आसमानी ब्लू कलर है यहाँ पर, तो इसका यूज़ करते हुए मैं पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर कलर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की वाटर कलर पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही पेंटिंग कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको और भी आर्ट रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।